हिसार में गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, रुक करते हैं वहीं का, जरा सुनते हैं। भाई सिक्योरिटी के लोग लोगों को आगे आने दे, पहली रेलिंग तक सबको आगे आने दो, बाहर खड़े वो भी अंदर आ जाए, जरा पहली रेलिंग तक आने दो सबको, बाहर खड़े वो लोग भी अंदर आ जाए जरा। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे राज्यसभा के संसद सदस्य सुभाष बराला जी, कमल गुप्ता जी, बिशंबर वाल्मीकि जी, रणबीर सिंह गंगवा जी, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर वत्स साहब, राव नरवीर जी, स्वामी सुमेगानंद जी, डॉक्टर आशा खेदड़ जी, विनोद बयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, छत्तरपाल जी, वेद नारंग जी, टेकराम कंडेला जी, गौतम सरदाना जी, अमरपाल जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्रीमान चौधरी रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी खड़े होइए, सभी लोग ताली बजाओ जरा रणजीत सिंह के लिए। और आज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज जब मैं हिसार आया हूं तब सबसे पहले अग्रोहा धाम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बम्बोरी माता मंदिर, काजला मंदिर, बाबा शीतलनाथ को भी प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, पंडित नेकीराम शर्मा, दादा गणेशी लाल और लाला लजपत राय को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा की भूमि पर आया हूं तब हरियाणा की भूमि ये देश को तीन क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया है तो हरियाणा ने किया है। एक तो देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर अपने घर में सो रहे हैं, इसका कारण हरियाणा का जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात है, इसलिए सो रहे हैं। दूसरा, हमारा किसान, एक जमाने में गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था, आज अन्न के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हुआ, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारे किसान, और उसमें भी हरियाणा के किसान का है। और तीसरा, खेल, खेल कहीं पर भी खेला जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी को मिलते हैं तो हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों को मिलते हैं, धाकड़ खिलाड़ी। ये तीनों क्षेत्रों में हरियाणा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये तीनों क्षेत्रों को एक एक कर कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर बोफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया, हजारों करोड़ के घोटाले एक कांग्रेस पार्टी ने किए। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला, और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला। ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर भरने का काम किया है। जब मोदी जी ने आते ही सबसे पहले
वन रैंक वन पेंशन का काम कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के अकाउंट में सीधा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 20,00,000 करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा, सबसे ज्यादा अनाज आजादी के बाद अगर एमएसपी पर किसी एक सरकार ने खरीदा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और हरियाणा में तो भाजपा सरकार ने भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिलता हो। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेज लाए और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहां पर हमारे देश में लाने वाले हैं। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें दो खेमे पड़े। एक खेमे में 12,00,000 करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र